तो ये जो किताब है ये किताब नहीं है, ये आने वाले वक्त के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए एक जियोपॉलिटिकल एडवाइस है, अपनी उस माजी की तारीख की आईने की रोशनी, माजी के आईने में कि वो गलतियां ना दोहराई जाएं कि जो हमारे बड़ों ने की, जिसका कफारा हम आज दे रहे हैं। और आज अगर इस वक्त इस नसीहत को न सुनोगे तो आने वाले वक्तों में ये जंग हमारे घरों में दाखिल होगी। इसमें से बहुत से लोगों ने अब इस किताब के हवाले से, इसमें कोई शुबा नहीं है और हम बात बिल्कुल पूरी तरह एक्नॉलेज करते हैं कि ये हमारे बस की बात ही नहीं थी इस किताब को लिख डालना, जब तक अल्लाह का करम और फजल शामिल ना होता इसमें। ये किताब लिखी नहीं गई, लिखवाई गई। इसके लिए जो वसाइल मुहैया किए गए, जिस तरीके से टीम दी गई, जिस तरीके से अल्लाह के बंदे, हमारी आज हमारी इस टीम में से किसी बच्चे ने कभी कोई किताब लिखी नहीं थी, ना हमें किताब लिखनी आती ना बनानी आती। और जब आप इस किताब को देखेंगे तो दुनिया जो प्रोफेशनल किताब तैयार करने वाले हैं वो पूछते हैं कि दुनिया के किस मुल्क से छपाई आपने। और यकीन कीजिए, ये हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, घर के बच्चे जिन्होंने जिंदगी में कभी इस पर काम नहीं किया, ये माशाल्लाह अल्लाह ने उनकी बरकत और खैर से ये चीज निकल कर सामने आई। इसमें से चंद एक थोड़े बहुत इक्तसाबात हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि 92 में जब ये किताब लिखी गई, जब ये हमारा ये एडवेंचर 92 में मुकम्मल हुआ, उस वक्त ये किताब हमने क्यों नहीं लिखी, उसके भी अल्लाह के राज अब हमें समझ में आते हैं। इस किताब को हमने 20 साल पहले शुरू किया था, लेकिन अब क्यों मुकम्मल हुई? इसलिए कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। 20 साल पहले लिखते तो अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल ना होता और वो सबक और नसीहतें हमें ना मिलती जिसके लिए आज हमें जरूरत थी। उस वक्त सिर्फ एक किस्सा कहानी तो होती है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए एक नसीहत, एक सबक ना होती। अल्लाह का अपना वक्त मुतय्यन था, 20 साल बीच में जो हमें तजुर्बात करा के दिखाए गए, फिर वो आज इस किताब के अंदर इस शक्ल में वो माशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा में बल्कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान जिहाद पर ऐसी कोई किताब अल्लाह के फजल से मौजूद नहीं है। हजारों तस्वीर जो उस वक्त हमने अफगान जिहाद में ली थी और 25 साल से साथ उठाए फिर रहे थे और बीसियों घर बदले, शिफ्टिंग की, सामान दुनिया में दूसरे पे गया, अल्लाह बेहतर जानता है ये कैसे बच गए, इनको संभाल के रखा गया। वैसी नादिर तस्वीर की दुनिया में कभी शाया नहीं हुई कहीं। फिर वो वाकयात, वो हमारी डायरियां, हमारे सफात, हमारे रिकॉर्ड, हमारी चीजें जो लिटरली घर की रद्दियों में फिर तकसीम हो गई थी, बिखर गई थी, वो इस तरह मिलना शुरू हुई कि और पिछले 2-3 महीने में कि इंसान अकल दंग रह जाती है। एक नजर आता है कि जब तक अल्लाह ताला के गैर मामूली गैबी ताईद ना हो उस वक्त तक ये चीजें दोबारा मिल ही नहीं सकती, जिस तरह ये चीजें सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको इकट्ठा किया गया, अल्लाह ने टीम ऐसी वफादार और मोहब्बत करने वाली है कि जिसने इस काम को सिर्फ इसलिए किया, जब साफ कहते हैं कि उनको इस ड्यूटी का अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है, दुनिया में कोई कॉम्पनसेशन, कोई तारीफ उनके लिए नहीं हो सकती। उनका यह कंट्रीब्यूशन उम्मत के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इंशाल्लाह इंसान चला जाएगा लेकिन यह सदका जारिया, यह खैर बाकी रहेगी इंशाल्लाह। हम थोड़ा सा उस किताब में से आपको इक्तसाबात पढ़ के सुनाते हैं। वो खत जो हमने अपने वालिद को लिखा, जो इजाजत ली हमने उनसे अफगानिस्तान जाने के लिए, जाहिर है आई वॉज 22 ईयर्स ऑफ एज, यूनिवर्सिटी में 3rd-4th सेमेस्टर में था। वालिद की ख्वाहिश ये थी कि आप पहले तालीम मुकम्मल कर लें फिर अफगानिस्तान जाएं, और हमारा आर्गुमेंट ये था कि अब्बाजान अगर तालीम मुकम्मल करने के लिए रुक गया तो जहाद ही खत्म हो जाएगा। तो एक अब्बाजान खफा भी थे थोड़े से, वालदा ने इजाजत दे दी थी, तो एक खत हमने छोटा सा लिखा था, तो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि वो क्या तूफान था जो बरपा था अपने वजूद में भी और अपने खानदान में भी, क्या क्या चीजें थी जो कुर्बान करनी पड़ी इस सफर को शुरू करने के लिए और सिर्फ अल्लाह के लिए। ये 19 जनवरी 86 को ये खत हमने अपने वालिद को लिखा था, और ये देखिए जिस दिन ये किताब छपने जा रही थी, मुकम्मल हो चुकी थी, प्रेस में जा रही थी, उस दिन ये खत हमें मिला और जिसके बाद जाहिर है पूरी दास्तान शुरू होती। मोहतरम अब्बा जान, पिछले कई दिन से आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था मगर कभी मौका और हिम्मत दोनों ही ना मिले। वालिद फौज के कर्नल थे, बात करना आसान नहीं था, बिलाखिर कलम को सहारा बनाना पड़ा। पिछले कई दिन से आपकी खफगी की वजह से सख्त दुख का शिकार हूं कि एक बेटे के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती। मां बाप की औलाद पर बेइंतहा एहसानात हैं, आप ही लोगों ने आला तरबियत की, दीनी तरबियत दी और अच्छे बुरे का फर्क समझाया, और फिर आपकी इसी तरबियत के नतीजे में मुझ पर यह चीज वाजे हुई कि असल चीज अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है।
نیز یہ کہ دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کو کفر اور شرک اور طاغوت سے پاک کر کے خالص اللہ کی اطاعت میں دینا بھی ہر مسلمان پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز. ہمارے اطراف کا نظام ظلم، کفر اور شرک کا نظام ہے. اگر میں اس نظام کو اکھاڑنا چاہتا ہوں تو مجھے بہرحال اپنی زندگی کی بہترین صلاحیتیں اس راہ میں لگانی پڑیں گی، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. اگر ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر یہی تو آپ نے اپنی تربیت سے مجھے سکھایا ہے. والدین کا حکم ماننا ضروری، ان کی اطاعت فرض، لیکن کہاں تک؟ جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر اللہ کا دین خطرے میں ہو، شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ باطل نظام کی مدد کر رہا ہو، تو کیا اللہ کے دین کا دفاع گھر بیٹھے آرام سے بغیر کسی محنت کے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آف کورس وہ خط ہے جو اس کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ صورت میں کیا کروں، میرا کیا فرض ہے. میں نے کبھی آپ لوگوں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہی، مگر پھر بھی اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں. آپ کا بیٹا، آپ کی دعاؤں کا طالب. اس خط کے بعد والد نے اجازت دی. And then, الحمدللہ.